बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट मैच करेक्टली अबाउट अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? अब इस क्वेश्चन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। इन प्रॉपर्टीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। अब अल्काइन, अल्कीन और अल्केन में देखें, यहां पे जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में s आधा है, यानी एक s है तो एक p है, तो s कितने परसेंट हुआ? 50%। sp2 में देखिए एक s और दो p है तो s तीसरा हिस्सा है, यानी 33%। sp3 में टोटल चार हैं, चार में से s एक है यानी चौथा हिस्सा है, तो 25%। अब S करेक्टर जितना ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इसे कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है कि अगर एक एलिमेंट के किसी भी शेल में sp, d, f चारों सब शेल हो और चारों में इलेक्ट्रॉन हो तो उनमें जो S वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी तरफ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी, इसे कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो जितना S करेक्टर ज्यादा होगा उतना पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। तो अब देखिए ट्रिपल बॉन्डेड में यह चीज ज्यादा है, जब ऐसे होता है तो ये वाला जो कार्बन इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी? कम, जबकि इसकी उससे ज्यादा और सिंगल बॉन्ड की उससे भी ज्यादा। तो आप देखें इसमें बिल्कुल वही ऑर्डर दिया हुआ है। अब सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम, डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रम और ट्रिपल बॉन्ड की 1.20 एंगस्ट्रम, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। अब बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड लेंथ से इनवर्स रिलेशनशिप है, तो देखिए जितनी cc ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और दूसरा जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उतनी भी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, यानी दो एटमों में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी और जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होते जाएंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 348, डबल बॉन्ड है cc तो 614 और cc ट्रिपल बॉन्ड है तो 839, तो ये भी सही है। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, यानी जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है उतना बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, तो जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर वही बॉन्ड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो ये भी सही है। रिएक्टिविटी कुछ डिफरेंट चीज है, कैसे? देखिए अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो अगर हमारे पास है एक अल्कीन का cc डबल बॉन्ड, एक इसी तरह हमारे पास अल्काइन का cc ट्रिपल बॉन्ड और एक अल्केन का cc सिंगल बॉन्ड, अब अगर हम इन सब की रिएक्टिविटी की बात करते हैं टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल, तो देखिए सबसे पहली बात कि अल्केन में तो हैं ही सारे सिग्मा बॉन्ड, वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं, उनको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल विदड्रॉ कर ही नहीं सकता, लिहाजा अल्केन की रिएक्टिविटी तो इन दोनों से क्या हो गई? कम हो गई। जबकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास अल्कीन है उनके अंदर ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसका पाए बॉन्ड कम बॉन्ड एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रोफाइल आसानी से खींच लेगा, जबकि ट्रिपल बॉन्ड का पाए बॉन्ड ज्यादा एनर्जी होने की वजह से आसानी से नहीं खींचेगा बल्कि मुश्किल से खींचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्कीन है वो टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा रिएक्टिव होंगी देन अल्काइन, और इन दोनों से कम रिएक्टिव कौन होंगे? अल्केन होंगे। तो अब देखें यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसको शो करना चाहिए था? अल्कीन को, लेकिन जब आप देखें शो किया हुआ है तो किसको शो किया हुआ? अल्केन को, हालांकि ये तो सबसे कम रिएक्टिव है, सो द आंसर विल बी डेल्टा।
क्वेश्चन टू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन की ओजोनोलाइसिस के बारे में यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ, उसको देखना। देखिए ओजोनोलाइसिस होती क्या है कि अल्कीन में ओजोन का एडिशन ओजोनोलाइसिस कहलाता है। अगर हम ओजोन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ओजोन की तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। एक ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर चला जाता है। अब क्या होगा, दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी, इस ओ पे नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ फिर डबल बॉन्ड ओ हो गया और इस पे वैसे पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कि ये वाला बॉन्ड इधर चला जाता है, तो अब ओ नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड ओ और इधर फिर सिंगल बॉन्ड। अब ये वाला जो है इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये तीन ओजोन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में देखें कि ओजोन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन भी मौजूद है और इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन भी मौजूद है। इस वजह से ये क्या होता है, ये किसी भी अल्कीन में ऐड हो जाता है। तो अब देखें, जब ये अल्कीन का ये पाई बॉन्ड इस ओजोन के ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, यानी ये न्यूक्लियोफाइल था, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक था। जैसे ये बॉन्ड इधर जाएगा, इसके तीन बॉन्ड रह जाएंगे तो चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑक्सीजन इस पे अटैक कर देगा। इस तरह ये ओजोन इसमें ऐड हो गया। लेकिन दो एडजेसेंट कार्बन पे तीन ऑक्सीजन होने की वजह से ये हाईली अनस्टेबल, ये अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है। रीअरेंजमेंट से ओजोनाइड बनता है। अब देखिए ऑक्सीजन अब भी तीन है लेकिन एक अलग है और दो अलग है, तो ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। अब इसका रिएक्शन किससे होता है, वाटर से, और क्या बनते हैं, दो मोल बनते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के। अब दो मोल फॉर्मेल्डिहाइड के बनने के साथ साथ एक H2O2 भी बनता है जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको जिंक डाल के रिड्यूस करते हैं ताकि ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना कर दे, तो ये तो होता है ओजोनोलाइसिस। अब देखें इसके बारे में पहली स्टेटमेंट क्या है कि इट इज सच प्रोसेस इन विच ओजोनाइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड देन रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन विद वाटर जिंक प्रोड्यूसेस टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखें सबसे पहली बात क्या है कि जी ओजोनाइड बनता है, देखिए ओजोनाइड बन गया, फिर रिडक्शन का मतलब आपने इसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया, देखिए कौन ले गया, वाटर ले गया, और फिर वाटर H2O2 में कन्वर्ट हो गया, उससे किसने ले लिया, जिंक ने, तो रिडक्शन हो गई, ये बात भी सही है। और दो कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इन्वॉल्व द रीप्लेसमेंट ऑफ एन ओलिफिनिक बॉन्ड यानी CC डबल बॉन्ड बाय टू कार्बोनाइल ग्रुप्स। देखिए जहां पहले CC डबल बॉन्ड था वहां पे क्या हुआ है, अब इधर भी ओ आ गया, इधर भी ओ आ गया। इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करें तो ये क्या था, ये पहले था CC डबल बॉन्ड। तीन कंडीशंस है, पहली कंडीशन क्या है जी ओजोन, दूसरी कंडीशन क्या है वाटर, और तीसरी कंडीशन क्या है जिंक है। इनकी प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड टूटा और दोनों तरफ क्या आ गया, दोनों तरफ हमारे पास आ गया ऑक्सीजन। इसके मतलब ये क्या बनेगा, देखे ऐसे इधर भी डबल बॉन्ड हो और इधर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड हो। तो यही बताया हुआ है कि ओलिफिनिक यानी CC डबल बॉन्ड टूटता है और दो कार्बोनाइल बन जाते हैं, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी, एन अल्कीन ऑफ द टाइप C के साथ दो अल्काइल और फिर C के साथ एक H और एक अल्काइल गिव R2CO और RCHO। बिल्कुल ठीक है। देखिए जब ये CC डबल बॉन्ड टूटेगा तो टूटने पे क्या होगा, इधर भी O आ जाएगा और इधर भी O, देखिए बिल्कुल यही चीज बन जाएगी, तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। चौथी स्टेटमेंट, एन अल्कीन ऑफ द टाइप, ये अल्कीन है तो ये कौन सा कीटोन देगा, देखिए इसका भी ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर भी O और इधर भी O, तो यहाँ कार्बोनाइल के साथ दो R होंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ कार्बोनाइल के साथ दो R होंगे स्टार वाले, तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यार करेक्ट, तो ये तो चारों सही हैं, सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 3,
कंसीडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस. ये मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मस्टर्ड गैस. अल्फा, इट हैज हाई पेनिट्रेटिंग पावर. ये स्किन के ऊपर जब गिराई जाती है तो ये स्किन को खुरच के, जैसे कहते हैं, पेनिट्रेट कर जाती है. ठीक है. बीटा, इट इज ऑयली लिक्विड हैविंग हाई वेपोराइजिंग टेंडेंसी. यानी इसके वेपर्स बनना बड़ा आसान है. बिल्कुल ठीक है. इट इज नॉट अ गैस. सही है. बट इज लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट. यहां तक तो सही था, लेकिन जब कहा ना लो बॉइलिंग पॉइंट तो ये बात गलत है. ये तो हाई बॉइलिंग है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 217 डिग्री सेल्सियस है. तो फिर आंसर क्या हुआ? चार्ली डेल्टा. इट कॉजेज पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन स्किन एज वेल एज इन साइड द बॉडी. तो स्किन पे और बॉडी के अंदर क्या कॉज करता है? छाले बना देता है. तो ये भी सही है. सो द आंसर इज चार्ली. क्वेश्चन 4. अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स. दिस इज बिकॉज, अभी हमने डिस्कस भी किया था, कि द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ डबल बॉन्ड आर लोकेटेड मच फार्दर फ्रॉम द कार्बन न्यूक्लियर एंड आर दस लेस फर्मली बाउंड टू देम. देखें, जब हम अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है वो कैसे होता है? वो जिन दो लाइनों पे कार्बन जुड़े होते हैं, या तो वो अबव द प्लेन होते हैं ओवरलैपिंग, या फिर क्या होता है? बिलो द प्लेन. तो अब ये इस लाइन से काफी दूर होते हैं, तो वीक बॉन्ड है ना, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इन्हें आसानी से विदड्रॉ कर सकता है. बीटा, द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड इज नॉट मच इफेक्टिव एज दैट इन सिग्मा बॉन्ड. देखिए, अगर इन्हीं ऑर्बिटल्स का कौन सा बॉन्ड होता? सिग्मा. तो इनकी ओवरलैपिंग कैसी होती? इनकी ओवरलैपिंग होती हेड टू हेड. तो ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है. तो इसको कोई इलेक्ट्रोफाइल आसानी से विड्रॉ नहीं कर सकता, जबकि पाई बॉन्ड को कर सकता है. तो इसीलिए अल्कीन अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है. तो रीज़न क्या है? दोनों सही हैं. सो द आंसर विल बी चार्ली. क्वेश्चन 5. कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स. देखिए, पहले हमारे पास है प्रोपाइल आयोडाइड. अगर हम प्रोपाइल आयोडाइड की स्ट्रक्चर बना दें तो ये प्रोपाइल आयोडाइड कैसा है? प्रोपाइल आयोडाइड में CH3, CH2, फिर CH2 और I है. देखिए, इसे हम ऐसे शो कर देते हैं. इसका भी एक H ऐसे शो कर देता है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो अल्फा और साथ वाला बीटा. अब आप अल्कोहले KOH से ट्रीट करवा रहे हैं. जब अल्कोहले KOH से ट्रीट करवाते हैं तो बीटा एलिमिनेशन होता है, तो ये OH बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर और ये इधर. अब देखिए क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. साथ क्या क्या रिमूव हुआ? H और OH मिल के बना वाटर, और ये के प्लस और आई नेगेटिव के आई. फिर हमने क्या किया, इसमें H3O प्लस डाल दिया, यानी ये हमारा X है. दिस इज एक्चुअली X. H3O प्लस यानी एसिड की प्रेजेंस में हमने वाटर डाल दिया. अब देखिए, जब वाटर डालेंगे तो वाटर होता है H और है OH. H पार्शियल पॉजिटिव है और OH पार्शियल नेगेटिव. देखिए, ये जो अल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ये रिएजेंट अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है. तो फिर इसका नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां H कम होंगे. कौन सा रूल है? मार्कोनिकव्स रूल. तो ये क्या बनेगा? CH3, उसके बाद क्या होगा? CH, इधर लगेगा OH और इधर लगेगा H, तो ये हो जाएगा CH3. तो ये हमारा Y है, 2-propanol. जबकि जब HBr से ट्रीट करेंगे तो HBr से ट्रीट करने से ये ऐसे बिहेव करता है जैसे एक्वस KBr हो, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो HBr से जब ट्रीट करेंगे, चूंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आयोनाइज होगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और ये आपके पास OH नेगेटिव यहाँ से उतरेगा, तो ये बन जाएगा CH3, फिर CH इधर क्या आ जाएगा? Br और ये CH3, और ये OH और H मिलके क्या बना देगा? वाटर बना देगा. ये हमारा क्या है? ये हमारा है Z.
अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव कंपाउंड रिप्रेजेंट एक्स वाई जी रिस्पेक्टिवली इन द कन्वर्जन। तो अब देखिए एक्स क्या है, एक्स है प्रोपीन, तो प्रोपीन सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, वो बीटा है और किसी में है ही नहीं, सो द आंसर विल बी बीटा, यानी एक्स प्रोपीन होगा जबकि वाई टू प्रोपेनोल होगा और जी क्या होगा, टू ब्रोमो प्रोपेन। क्वेश्चन सिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेंजीन। पहली स्टेटमेंट है इट इज हाईली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए अगर हम 6 कार्बन वाला अल्केन लें तो उसका फार्मूला होगा C6H14 जिसे हम कहेंगे हेक्सेन। अगर 6 वाला अल्कीन लें तो C6H12 जिसका नाम होगा हेक्सीन। 6 कार्बन वाला अल्काइन लें तो C6H10 जिसका नाम होगा हेक्साइन। और जब हम बात करते हैं बेंजीन की तो बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6। अब आप देखें 6 कार्बन वाले अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की निस्बत इसमें हाइड्रोजन की तादाद काफ़ी कम है, तो इसका मतलब ये वाकई क्या है, हाईली अनसेचुरेटेड। तो पहली बात सही है। दूसरी, इट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू एक्सटेंसिव डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक्सटेंसिव डी लोकलाइजेशन होती है जिसकी वजह से यह हाईली स्टेबल है, ये बात भी ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट, द वर्ड बेंजीन कम्स फ्रॉम गम बेंजोइन अ नेचुरल प्रोडक्ट। गम बेंजोइन एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसमें बेंजीन होता है, इसीलिए बेंजीन का नाम गम बेंजोइन से डिराइव करके बेंजीन रख दिया गया, ये भी सही है। चौथी स्टेटमेंट, द वर्ड फीन जैसे फिनाइल बोलते हैं इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिना मींस आई बेयर लाइट, यानी चमकीला होता है ये, तो फिनाइल जिस भी चीज में होगा वो शाइनी शाइनी सा होगा, तो ये बात भी सही है। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट, ये तो सारी सही है, सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन इज शोन बाय बेंजीन। बेंजीन कौन से रिएक्शन शो करता, बेंजीन एलिमिनेशन, हाइड्रोक्सीलेशन और पॉलीमराइजेशन शो नहीं करता। बेंजीन कौन से रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे, के जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जिस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो बेंजीन के पास आता है तो वो बेंजीन के इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है जिससे ये बेंजीनोनियमाइन बनता है। फिर अगर कोई बेस आ जाए तो वो इस एच पे अटैक करता है और ये एच अपना बॉन्ड इधर दे देता है, तो इस तरह ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए क्यों कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो लगा है वो क्या था, वो पॉजिटिव था, लेकिन उसकी बजाय वहां से एक चीज उतरी भी है, वो क्या है, एच उतरा है, वो बॉन्ड दे के गया, तो फिर ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी, तो एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव ने सब्स्टिट्यूट किया, तो इसीलिए इन रिएक्शंस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन एट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर 3,5 यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप व्हेन सेकंड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन रिंग। अब देखिए अगर हम एनिलीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो क्या हैं, ये एनिलीन में एन पे लोन पेयर होता है, ये बेंजीन रिंग को कैसे डोनेट करेगा, गौर से देखिए कि जब किसी एटम पर लोन पेयर होगा तो वो अगले दो एटमों के दरमियान चला जाएगा, तो N पे जो लोन पेयर है वो N और C के दरमियान जाएगा, इस तरह इस C के पांच बॉन्ड हो जाएंगे, तो उनमें जो वीक बॉन्ड होगा जैसे कि पाई बॉन्ड वो टूटेगा और अगले एटम पे जाएगा, लिहाजा यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, N ने लोन पेयर दिया था तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ये एटम पर है, जाएगा अगले दो एटमों के दरमियान, ये दो एटमों के दरमियान अगले एटम पर जाएगा, तो देखिए यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये एटम पर है, जाएगा इन दो एटमों के दरमियान, ये पड़ा है दरमियान, जाएगा अगले एटम पर, तो
अब यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज। अब ये एटम पर है, जाएगा अगले दो एटमों के दरमियान, और ये दरमियान है तो एटम पर, तो इस तरह एन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म और यहां पाई बॉन्ड भी आ गया। अब देखिए NH2 ने जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर दिए तो आप देखिए इसकी आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। यानी ये क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो इसका मतलब नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा, आर्थो और पैरा पे लगेगा। अब अगर हम इसी तरह की एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे टॉलवीन में मिथाइल है। अब मिथाइल क्या करता है, बिल्कुल सेम फिनोमिना के तहत ये एच अपना बॉन्ड देगा और ये मूव करेगा इधर। अब देखें, अब सी और एच में कोई बॉन्ड नहीं है, सी एच पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां नेगेटिव चार्ज है। अब ये इन दोनों में बॉन्ड भी नहीं है और बिल्कुल एनिलीन की तरह रेजोनेंस भी हो रही है, तो हम इसे कहते हैं इसीलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसे क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसका मतलब ये जो टॉलवीन का मिथाइल है ये भी नो बॉन्ड रेजोनेंस के तहत कहां कहां पे नेगेटिव चार्ज लेके आता है, देखिए आर्थो पे और पैरा पे, तो ये भी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, या जिसे आप 2-4 डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं CHO और COOH की, तो इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी वो कुछ इस तरह होंगी। गौर से देखें, सबसे पहली स्ट्रक्चर ये क्या है जी, बेंजीन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ है और साथ क्या है एक्स। अगर ये एक्स जो है ये OHO तो ये बेंजोइक एसिड होगा, और अगर यही वाला एक्स एच ओ तो ये क्या होगा, बेंजल्डिहाइड होगा। अब ये कार्बोनाइल में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। अब ये तो ऑक्सीजन बॉन्ड को खींचेगा तो सी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो सी कहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बेंजीन रिंग से। तो अब देखिए इस कार्बन का एक बॉन्ड कम होने की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव को खत्म करेगा ये वाला पाई बॉन्ड, लिहाजा अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको खत्म करेगा ये वाला पाई बॉन्ड, लिहाजा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो बॉन्ड इधर गया था पहले, अब वो कहां होगा, वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से ये भी वापस आ जाएगा। अब ये रिंग बहाल हो गया। लेकिन ये जो चाहे एल्डिहाइड ग्रुप है चाहे कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसने क्या किया, बेंजीन की आर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज ले आया, पॉजिटिव चार्ज। अब रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफाइल से होना है, वो भी क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव पे अटैक क्या हो गया, आसान या मुश्किल, मुश्किल हो गया। तो रिएक्टिविटी बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई। इसीलिए एनिलीन में NH2, टॉलवीन में CH3 को हम कहेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, जबकि बेंजोइक एसिड में COOH और बेंजल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ और एच को मेटा डायरेक्टिंग या 3-5 डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे या रिंग डीएक्टिवेटिंग कहेंगे, क्योंकि ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि COOH या CHO ने क्या किया, आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज लिया। अब मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन पॉजिटिव भी तो नहीं है, यानी वो बहुत ज्यादा रिच इन इलेक्ट्रॉन नहीं है पर बहुत ज्यादा इन आर्थो और पैरा की तरह डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। इसका मतलब अगर नया ग्रुप लगेगा भी तो कहां लगेगा, मेटा पे। और मेटा को क्या बोलते हैं, 3-5। तो 3-5 डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप हुए, बेंजल्डिहाइड का CHO और बेंजोइक एसिड का COOH। तो फिर आंसर क्या हुआ, आंसर बीटा। और अगर हमसे पूछा होता कि भाई आर्थो पैरा डायरेक्टिंग या 2-4 डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, तो उसमें एक 1 था और एक 4 था, तो फिर आंसर क्या होता, 4। क्वेश्चन 9, ऑन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। अगर डिफ्यूज सनलाइट हो तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन स्टेप, तो इनमें से टर्मिनेशन स्टेप क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखिए टर्मिनेशन स्टेप की निशानी ये है कि उसमें दो फ्री रेडिकल मिलेंगे और उससे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। इन ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन में
दो फ्री रेडिकल एज रिएक्टेंट्स, और वो कौन सी है? चार्ली. सो द आंसर विल बी चार्ली. लेकिन अगर हम बाकी स्टेप्स देखें तो वो क्या है? अल्फा में देखें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो रेडिकल नहीं है, जबकि हैलोजन रेडिकल है. तो इसमें क्या होगा? इसमें हैलोजन का बॉन्ड बनेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. और ये जो बॉन्ड है सी और एच का, ये टूटेगा और कार्बन पे रेडिकल आ जाएगा. तो ये क्या है? प्रोपेगेशन स्टेप है. इसी तरह ये वही वाला उसी तरह का स्टेप है, ये भी प्रोपेगेशन है. क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन रेडिकल बन जाएगा और हैलोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा. तो ये भी प्रोपेगेशन स्टेप है. जबकि डेल्टा में जब आप डिफ्यूज्ड सनलाइट या यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर देंगे तो होमोलिटिक फिशन के तहत फ्री रेडिकल बन जाएंगे. ये कौन सा स्टेप है? इनिशिएशन स्टेप. क्वेश्चन 10. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम अल्केन. अब अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमें हैलोजन चाहिए. अगर हम हैलोजन्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो आपको पता है जो फ्लोरीन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वायलेंटली रिएक्ट करता है, और उससे बहुत सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन बहरहाल रिएक्ट तो बहुत ज्यादा करता है. आयोडीन की बात करें तो ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो रिएक्शन बहुत स्लो है और दूसरा रिवर्सिबल है, यील्ड बहुत कम होती है. अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, सबसे कम आयोडीन, जबकि मॉडरेट रिएक्टिविटी किसकी है? ब्रोमीन और क्लोरीन की. इसीलिए आमतौर पे क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन करते हैं, फ्लोरीनेशन भी नहीं करते और आयोडीनेशन भी नहीं करते. लेकिन फ्लोरीनेशन डायरेक्ट तो हो सकती है, पर कौन सी डायरेक्ट नहीं हो सकती? आयोडीनेशन, यानी हम अल्काइल आयोडाइड अल्केन से डायरेक्ट नहीं बना सकते. सो द आंसर विल बी डेल्टा. क्वेश्चन 11. ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन अ नाइट्रो ग्रुप यानी NO2 सब्स्टिट्यूट्स एट अ कार्बन एटम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स एट दिस कार्बन एटम ड्यूरिंग द रिएक्शन. देखिए जब नाइट्रेशन होती है तो क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल. ये सपोज NO2 प्लस है, ये यहां पे लगेगा. अब देखें जब ये यहां लगेगा तो जिस कार्बन पे ये लग रहा है, इस कार्बन में देखें यहां हाइड्रोजन भी है, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2 और 3. जितने सिग्मा बॉन्ड उसी लिहाज से इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो 3 है ना, पहला एस की वजह से, दूसरा PX, फिर PY, तो ये SP2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है. अब डेल्टा पे टेट्राहेड्रल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन टेट्राहेड्रल तो नहीं हो सकता, तो डेल्टा गलत. लेकिन अब जब ये स्ट्रक्चर बनती है तो अब आप देखें, अब इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है? यहाँ NO2 लगा होगा, 1, 2, 3, 4 बॉन्ड है. अब पहला किसकी वजह से? एस की वजह से, दूसरा PX, फिर PY, फिर PZ. इसका मतलब ये SP3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो ये क्या होता है? ये टेट्राहेड्रल. तो अल्फा में यहां लिखा हुआ है प्लेनर, तो ये भी नहीं हो सकता इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में. अब दो ऑप्शन रह गए, बीटा और चार्ली. डेल्टा पे एंड पे क्या होता है? एंड पे दोबारा आप देखें जिस तरह पहले इसके 3 सिग्मा बॉन्ड थे, अब भी वैसे है. इसका मतलब ये फिर क्या हो जाएगा? SP2 और ट्राइगोनल प्लेनर. और बीटा और चार्ली में प्लेनर सिर्फ कहाँ है? बीटा पे, चार्ली पे नहीं है. तो चार्ली फिर क्या हो गया? गलत. सो द आंसर इज बीटा. क्वेश्चन 12. व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 इन बेसिक मीडियम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी. देखिए क्या होगा? हाइड्रोक्सीलेशन. अब हाइड्रोक्सीलेशन कैसे होती है? हाइड्रोक्सिल का मतलब है OH ग्रुप, एशन का मतलब है एडिशन इन अल्कीन. तो क्या होगा? अल्कीन में जहां CC डबल बॉन्ड है वहीं पे CC डबल बॉन्ड से CC हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और एक OH लेफ्ट पे और एक OH राइट पे ऐड हो जाएगा. इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगा? 1,2 प्रोपेन डायोड. तो आंसर कौन सा हुआ? डेल्टा. क्वेश्चन 13. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स विद अल्केन इज.
देखिए जो हैलोजन्स है उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे। जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो देखिए ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है। तो सबसे ज्यादा किसके है? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। लिहाजा सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, सबसे कम आयोडीन, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन की मॉडरेट रिएक्टिविटी। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ नजर आ रही है? डेल्टा पे। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 14, ऑन कैटलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। देखिए अगर मीथेन की कैटलिटिक ऑक्सीडेशन की बात करें तो सबसे पहले मीथेन में सी एच में ओ का एडिशन होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। फिर ये जो मिथाइल अल्कोहल है इसमें फिर एडिशन होगा ओ का। अगर देखिए इसमें ओ का एडिशन कर दें कहां पे? इस सी एच बॉन्ड में, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा एच ओ सी, फिर एच, फिर एच, इसी तरह ओ एच। लेकिन चूंकि एक ही कार्बन पे दो ओ एच है तो ये हाईली अनस्टेबल है, तो इसमें क्या होगी? डिहाइड्रेशन। तो अब ये जो पहले वाला है ये एच पॉजिटिव और ये ओ एच नेगेटिव, वाटर निकल जाएगा सी का सिंगल बॉन्ड एच से, सी का सिंगल बॉन्ड एच से और ओ से डबल बॉन्ड, यानी ये क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड की फिर ऑक्सीडेशन होगी, तो कैसे ऑक्सीडेशन होगी? इस सी और एच में ओ आ जाएगा, जैसे ही सी और एच में ओ आएगा तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। लेकिन फॉर्मिक एसिड भी अनस्टेबल है, ये फर्दर क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज। कैसे हो जाते हैं ऑक्सीडाइज? गौर से देखें, इसमें लेफ्ट वाला हिस्सा देखें, दिस इज अगेन एल्डिहाइड, जैसे ये एल्डिहाइड था तो इसमें फिर सी और एच में ओ आ जाएगा, तो ये बन गया एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ एच। ये क्या चीज है? ये तो कार्बोनिक एसिड है, ये भी हाईली अनस्टेबल है जैसे ऊपर बात की थी हमने। तो ये एच बॉन्ड देगा और ये ओ एच बॉन्ड लेगा, ये एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, क्या बना? वाटर। ये कार्बन का इधर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड, जबकि ये बॉन्ड भी टूट गया ये भी, तो ये सी ओ टू बन गया। तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? सी ओ टू और वाटर। तो अब आप देखें इन सी ओ टू और वाटर में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सी? सी ओ टू। सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट मैच करेक्टली। देखिए पहली स्टेटमेंट है रिएक्शन ऑफ अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड विद अल्कीन, कि हमारे पास क्यूपरस क्लोराइड है उसका अल्कीन से रिएक्शन करवा दे। पहली बात तो यह है कि क्यूपरस क्लोराइड अल्कीन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, ये तो उन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिनमें एसिडिक एच होता है, जैसे टर्मिनल अल्काइन्स। तो जैसे ये रिएक्शन कि इथाइन या एसिटाइलिन का इससे रिएक्शन होता है और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये निशानी होती है कि जो अल्काइन है वो टर्मिनल अल्काइन है। मसलन अगर हमारे पास एक अल्कीन हो, अल्काइन हो एसिटाइलिन और एक टू ब्यूटाइन हो, तो दोनों का इससे रिएक्शन करवा दें तो एसिटाइलिन में ये बनेंगे जबकि टू ब्यूटाइन में ऐसा कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, तो ये बात तो गलत होगी। बीटा, ब्रोमीन CCl4 है अल्कीन में डाल दिया, तो भाई ब्रोमीन CCl4 डालेंगे तो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा वो कंपाउंड क्या है? अनसैचुरेटेड। जैसे ये देखें विसनल डाइहेलाइड या विसनल डायब्रोमाइड बन जाएगा। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन किस लिए यूज होता है? टू लोकेट डबल बॉन्ड इन अल्कीन। देखें अगर हमारे पास ये एक अल्कीन हो और हमें ये कहे कि जी इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज या ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा, तो हमने ये बॉन्ड तोड़ना है, इधर भी हो लगा देना है, इधर भी हो, तो ये दो प्रोडक्ट होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है वो कह जी आपको ये कल्कीन था पता नहीं है क्या है, सपोज वो जी ए है, उसकी ओजोनोलाइसिस की उससे ये दो बने, तो बताओ वो अल्कीन कौन सा है? तो हमने क्या करना है, ये दोनों वो हटाने हैं और इन दोनों सी को आपस में जोड़ देना, आपके पास अल्कीन बन जाएगा। जब अल्कीन बनेगा इसका नाम देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड की क्या पोजीशन है। तो ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। देखिए जब वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं
तो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास अनसेचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड होता है, उसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं कैटलिस्ट के जरिए और उसे सेचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना देते हैं। तो ये बात भी सही है। तो गलत कौन सी थी, सिर्फ अल्फा। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखें, AlCl3 और CaCl2 में से AlCl3 और CaCl2 दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं, जबकि बीटा में दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, चार्ली में दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और डेल्टा में भी दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन 17, अल्कीन्स यूजुअली शो मैकेनिज्म ऑफ। अल्कीन्स कौन सा मैकेनिज्म शो करती हैं? देखें, अगर ये अल्कीन है तो अभी हमने डिस्कस किया था कि उसका सीसी डबल बॉन्ड बेसिकली एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और जब एच एक्स से हम इसे ट्रीट करते हैं तो ये जो एच और एक्स का बॉन्ड है टूटेगा तो एक्स पे जाएगा, एक्स नेगेटिव और एच पॉजिटिव, तो ये एच पॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब जब ये रिएक्शन होगा तो आप देखें, ये अगर एच हम जोड़ दें राइट वाले कार्बन से तो लेफ्ट का एक बॉन्ड कम होगा, तो चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, ये कार्बोकैटाइन बन जाएगा। अब इस कार्बोकैटाइन पे ये एक्स नेगेटिव अटैक करेगा और ये जुड़ जाएगा। अब देखिए, पहले वाला जो स्टेप है ये स्लो है और दूसरे वाला फास्ट है, यानी पहले वाला रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो आप देखिए, अल्कीन में जो चीज़ सबसे पहले ऐड हो रही है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और हो भी ऐड रही है क्योंकि बॉन्ड डबल से सिंगल बन रहा है, तो इसीलिए अल्कीन के रिएक्शंस जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आंसर अल्फा। याद रखिए, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है आमतौर पर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जबकि अल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। क्वेश्चन 18, एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन शोज दैट इट इज साइक्लिक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेंजीन। देखिए, अल्फा है कि बॉन्ड एंगल सारे 120 डिग्री, बिल्कुल ठीक। CH बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रम, ये भी सही है। सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.397 एंगस्ट्रम की बॉन्ड लेंथ के होते, बिल्कुल ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर अनइक्वल, ये बात बिल्कुल गलत है। सब के सब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की क्या है जी, 1.397 ही होती है। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 19, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द, अभी हमने डिस्कस किया था कि देखिए, ये बेंजीन है और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करता है, ये बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उस पर अटैक करता है और उसे खींचता है यहाँ से, तभी तो बेंजीनोनियम आयन बनता है। फिर बेंजीनोनियम आयन के इस एच पे ये जो हमारे पास बेस होता है ये अटैक करता है और ये एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाती है, और असल में इस H पॉजिटिव की जगह कौन लग जाता है, E पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल। तो बहरहाल, इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करता है, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 20, फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स विद हैलोजन शो द मैकेनिज्म ऑफ। देखें, अल्केन कि जब हैलोजन से रिएक्शन होता है तो मैकेनिज्म कौन सा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे, पहले स्टेप में हैलोजन यूवी रेडिएशन या सनलाइट या हाई टेम्परेचर पे होमोलिटिक फिशन के थ्रू क्या बनाती है, फ्री रेडिकल। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ऑर्गेनिक यानी अल्केन का एक मॉलिक्यूल और हैलोजन का फ्री रेडिकल, इनमें क्या मैकेनिज्म होता है कि एच और सीएल में बॉन्ड नहीं है तो यहाँ इनके फ्री रेडिकल की कम्बिनेशन से बॉन्ड बनेगा, जबकि ये क्या बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल। फिर क्या होगा, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल है तो अब हैलोजन फ्री रेडिकल नहीं होगा, तो इसमें इससे एक इलेक्ट्रॉन, इससे एक इलेक्ट्रॉन, अब सी सी एल देखे बॉन्ड बन गया और ये सी एल रेडिकल बन गया। तो इस तरह पहले यहां एक H था, अब उसकी जगह Cl आ गया, तो
तो हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, लेकिन क्या बनाते बनाते, फ्री रेडिकल बनाते बनाते, तो ये प्रोपेगेशन है। टर्मिनेशन में क्या होता है, कोई से भी दो रेडिकल, जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल है और सीएल फ्री रेडिकल, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के बॉन्ड बना लेते हैं। अब यहां कोई फ्री रेडिकल नहीं बनता, तो ये प्रोसेस क्या है, टर्मिनेशन। तो ये ओवरऑल कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो द आंसर विल बी अल्फा। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ये आमतौर पे अल्काइल हैलाइड्स देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन देता है, और इलिमिनेशन रिएक्शंस आमतौर पे अल्कोहल्स में भी होते हैं और अल्काइल हैलाइड्स में भी होते हैं, जिनसे अल्कीन्स बनते हैं। क्वेश्चन 21, बेंजीन शोज द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए नाइट्रेशन है, HNO3 से ट्रीट करते हैं 50 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट होता है, और नाइट्रो ग्रुप लग जाते हैं, नाइट्रो बेंजीन बन जाता है, बिल्कुल ठीक। सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और तकरीबन 80 डिग्री सेल्सियस SO3H लग गया, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अल्काइलेशन में मिथाइल क्लोराइड AlCl3 कैटलिस्ट है, तो मिथाइल ग्रुप लग गया, अल्काइल ग्रुप यानी टॉलवीन बन गया, ये अल्काइलेशन। एसाइलेशन में CH3C डबल बॉन्ड हो और AlCl3 कैटलिस्ट है, तो अब CH3C डबल बॉन्ड हो ये ग्रुप लग गया, तो ये हमारे पास बन गया एसिटोफिनोन, ये भी ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मैकेनिज्म शोन इन द अबव रिएक्शन इज। अब बार बार हमने डिस्कस किया कि इन सब में बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पॉजिटिव फॉर्म में लगता है और एच पॉजिटिव फॉर्म में उतरता है, तो ये क्या हुए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो द आंसर विल बी अल्फा। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आमतौर पे अल्काइल हैलाइड्स देते हैं, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड भी देते हैं, अल्कोहल भी देते हैं, और उनसे क्या बनता है, अल्कीन बनता है। जबकि एसिड बेस रिएक्शन जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, वो एसिड बेस रिएक्शन देते हैं, किसके साथ, बेसिस के साथ यानी हाइड्रोक्साइड्स के साथ, कार्बोनेट्स के साथ, मेटल्स के साथ और बायकार्बोनेट्स के साथ। क्वेश्चन 22, व्हेन डिफरेंट अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 सॉल्यूशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन प्रोड्यूस 2 moles ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए 2 mole कार्बोक्सिलिक एसिड के तब बनेंगे जब वो क्या हो, सिमेट्रिकल हो। अब देखें पहली बात, ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती क्या है, बेसिकली सपोज ये हमारे पास एक अल्कीन है, अब ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये होगा कि ये CC बॉन्ड टूटेगा, KMnO4 बेसिक मीडियम और हाई टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर होता तो हाइड्रोक्सीलेशन हो जाती, इधर भी OH और इधर भी, और बॉन्ड डबल से सिंगल, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी, इधर भी हो इधर भी हो, देखे पहले क्या बने, LD, फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, C और H में O, इधर भी C और H में O, तो 2 mole बन जाएंगे एसिटिक एसिड का, अब ओवरऑल एसिटिक एसिड ही बनेगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चार्ली को देखें तो इसमें क्या है, इसमें 2 alkyl हैं, इधर भी 2 alkyl हैं, तो ये भी कीटोन होगा, ये भी कीटोन होगा। डेल्टा में देखें, जब इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी, 2 alkyl है, तो ये कीटोन होगा, ये अल्काइल है और ये एच है, ये पहले एल्डिहाइड बनेगा बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक एसिड एक कीटोन, चार्ली में 2 कीटोन। बीटा में देखें ये क्या है, एक अल्काइल और एक एच, पहले एल्डिहाइड फिर एसिड, ये अल्काइल और एच, जैसे ये देखें इनमें था अल्काइल और एच, तो पहले एल्डिहाइड बना था फिर एसिड, तो इसका मतलब इसमें 2 mole एसिड बनेगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो अल्फा भी ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपके पास है इथीन, नो डाउट सबसे पहले इसमें क्या होगी, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी। अब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से क्या होगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से बेसिकली पहले एल्डिहाइड ही बनेगा, जब एल्डिहाइड बनेगा ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, अब इनकी फिर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी, ऑक्सीडेशन होगी, कैसे, इस इधर भी वो आ जाएगा इधर भी वो आ जाएगा, इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी इधर भी वो आ जाएगा इधर भी। अब आप देखें क्या बनेगा, H के बाद O,
फिर सी डबल बॉन्ड हो और फिर ओ और फिर एच, तो ये भी हम डिस्कस करके आए थे। ये दोनों से क्या क्या बन जाएगा, दोनों से बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, तो ये एच प्लस और ए ओ एच माइनस, ये क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा, और ये क्या होगा सीओ टू। तो आपके पास दो बनेंगे सीओ टू और दो बनेंगे वाटर, ये हो जाएगा ओवरऑल रिएक्शन। के एम एन ओ फोर है, बेस है और हाई टेम्परेचर, तो इसमें कोई भी एसिड नहीं बनेगा। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 23, अमोंग द फॉलोइंग द कंपाउंड्स दैट कैन बी मोस्ट रेडली नाइट्रेटेड इज, मतलब क्या है कि नाइट्रेशन के लिए इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। देखिए सबसे पहले हम फिनोल की बात करते हैं, अगर फिनोल की बात करें तो हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। पहले चूंकि हम एनिलीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, लिहाजा अब हम एक ही स्ट्रक्चर में इसकी तमाम स्ट्रक्चर्स को ड्रा कर देते हैं। देखें ये एटम पर है लोन पेयर, तो जाएगा ओ और सी के दरमियान, तो चूंकि ओ लोन पेयर देगा तो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड इस एटम पर जाएगा तो चार्ज नेगेटिव। इसी तरह देखिए ये एटम पर है तो जाएगा एटमों के दरमियान, और ये दरमियान है तो अगले एटम पर, तो फिर नेगेटिव आ गया। अब ये एटम पर है तो जाएगा एटमों के दरमियान, और ये दरमियान है तो जाएगा एटम पर। अब ये पर है तो एटमों के दरमियान, और ये दरमियान है तो एटम पर, तो इस तरह ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखें इस पूरे चक्कर के दौरान ये जो आर्थो और पैरा के कार्बन है इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी बेंजीन के ये वाले कार्बन अच्छे न्यूक्लियोफाइल बन गए हैं, तो इसका मतलब इनका इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक क्या हो जाएगा आसान। इसका मतलब फिनोल का बेंजीन रिंग आम बेंजीन रिंग की निस्बत टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों कि आम बेंजीन के किसी कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता। जबकि अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो नाइट्रोबेंजीन में देखिए क्या होगा, ये नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर है कि बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये मूव करेगा ओ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब एन के तीन बॉन्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो एन ने ये बॉन्ड खींचना है। अब इस कार्बन के दो तो ये बॉन्ड नजर आ रहा है, तीसरा किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, इसके मतलब एक बॉन्ड कम है, यहाँ चार्ज होगा पॉजिटिव। अब इसके पॉजिटिव को खत्म करेगा ये वाला बॉन्ड, अब इसके फिर एक दो और तीसरा हाइड्रोजन के साथ, तो चौथा बॉन्ड नहीं है तो यहाँ फिर पॉजिटिव चार्ज, इसको खत्म करेगा ये वाला बॉन्ड, इसके फिर उसी तरह से एक बॉन्ड कम हो गया तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव। अब यहाँ दो थे बॉन्ड, एक पहले से था एक ये गया, अब उनमें से एक बॉन्ड आएगा इधर, लिहाजा ये नेगेटिव फिर आएगा वापस, ये पूरा एक चक्कर चलेगा। तो नाइट्रो ने क्या किया इस पूरे चक्कर के दौरान, आर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज ले आया, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब अब नाइट्रोबेंजीन का ये जो बेंजीन रिंग है इसका इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक बहुत मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा बेंजीन रिंग की नाइट्रो ग्रुप ने रिएक्टिविटी क्या कर दी, कम कर दी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब बात रही क्लोरोबेंजीन की, देखिए जब क्लोरीन भी जुड़ा होगा बेंजीन रिंग के साथ तो क्या काम करेगा, ये भी फिनोल की तरह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, लेकिन कब, ध्यान से देखना है, ये तब देगा जब ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, यहां सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड। अब आगे सारी बात वैसी होगी जैसी हमने किस में डिस्कस की है, फिनोल में डिस्कस की है, लिहाजा आप देखें इसकी वजह से भी नेगेटिव चार्ज कहाँ ही आएगा, आर्थो और पैरा पे, यानी नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे ही लगेगा। लेकिन ये पाई बॉन्ड के थ्रू सीएल ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लेकिन अगर फर्ज किया हम इस ये कार्बन और ये क्लोरीन बना दें और ये देखें कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और मैं आपसे कहूं कि बताएं अब ये बॉन्ड किधर जाएगा, तो आप कहेंगे उसकी तरफ जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ज्यादा है, तो ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इस बॉन्ड की मूवमेंट टुवर्ड्स सीएल होगा। अब जब ये पाई बॉन्ड बना रहा था तो दिस वॉज एक्चुअली रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट के तहत ये हैलोजन क्या है, यह है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जबकि ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके तहत ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड के तहत ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, और इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट के तहत हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, और ये किस बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड, और रेजोनेंस इफेक्ट किस बॉन्ड के थ्रू था, पाई बॉन्ड। तो अब ये जो हैलोजन है, जब ये पहले रेजोनेंस इफेक्ट के तहत इलेक्ट्रॉन दे देंगे और फिर खींच लेंगे, तो इस तरह ये बेंजीन की एक्टिविटी बढ़ाते नहीं बल्कि कम कर देते हैं, लेकिन इतनी कम नहीं करते जितनी कौन करता था, नाइट्रो करता था। तो इसका मतलब हमें समझ आ गई कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फिनोल होगा, उसके बाद कौन होगा, बेंजीन होगा, फिर कौन होगा, क्लोरो बेंजीन, और सबसे कम कौन होगा, नाइट्रो बेंजीन। तो क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है नाइट्रेशन के लिए, तो आंसर क्या हो गया, डेल्टा। अगर सबसे कम पूछा होता तो फिर आंसर बीटा होता, और अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता तो फिर नंबर वन सबसे ज्यादा रिएक्टिव फिनोल, फिर बेंजीन, फिर क्लोरो बेंजीन, और सबसे कम नाइट्रो बेंजीन। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द कंबस्शन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, कंबस्शन ऑफ मीथेन अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो CO2 और वाटर बनता है, लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा, वाटर भी बनेगा और कार्बन भी। अगर आप इसे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कंबस्शन कहेंगे तो असल में ये ऊपर वाले रिएक्शन का ही साइड रिएक्शन होगा। तो आप देखिए, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन भी है, वाटर तो दोनों में ही बनता है। अब इनमें देखिए, वाटर दोनों में आ गया, CO2 देखिए नहीं बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनी है और कार्बन भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। तो अब देखिए, फिर कौन सी चीज नहीं बनी लिमिटेड सप्लाई में, CO2। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 25, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स इज यूज्ड इंडस्ट्रियली टू प्रिपेयर। देखें, जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब अल्केन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले स्टेप में C और OH में O ऐड हो जाता है तो अल्कोहल बन जाता है। फिर इस अल्कोहल में अगेन ये जो C और H है इसमें फिर ऐड हो जाता है नेसेंट O, तो क्या बना, H C फिर H2, यहां पे क्या होगा, ओ एच, इधर भी ओ एच। अब ये क्या है, ये हाईली अनस्टेबल है, इसमें से क्या गया, ये ओ एच नेगेटिव और ये एच पॉजिटिव यानी वाटर, और ये सी के साथ दो एच और ये डबल बॉन्ड हो, यानी क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसकी फिर जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है तो कैसे होगी, इसकी फिर उसी तरह से कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगी, पहले एक तरफ ओ लग गया फिर दूसरी तरफ ओ लगेगा, अब दूसरी तरफ ओ लगेगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ H ना हो, यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप हो, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो जितना मर्जी बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा दे, एंड पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या कहलाएगा, हायर फैटी एसिड। तो फिर आंसर क्या हुआ, अल्फा। क्वेश्चन 26, अ हाइड्रोकार्बन विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी एक हाइड्रोकार्बन है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, डीकलराइजेस एक्वस ब्रोमीन। अगर वो डीकलराइज करता है एक्वस ब्रोमीन को, इसका मतलब वो अनसेचुरेटेड भी है, लिक्विड देखना है अनसेचुरेटेड देखना, विच विल बी मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखिए, अब जो पहला फार्मूला है ये किसका है, C2H2, भाई ये तो इथाइन का फार्मूला है, ये देखें ये इथाइन है, ये किसका है, ये इथीन का फार्मूला है, ये चार्ली क्या है, ये हेप्टेन का फार्मूला है,
कैसे पता लगा? अल्केन ही होते हैं ना, सी एन एच टू एन प्लस टू। तो अगर कार्बन सात है तो ये सेवन टू जा 14 और 2 16 हो गया। ये किसका है? ये कल्कीन है। अगर ये 10 है तो ये 20 है, उससे डबल सी एन एच टू एन डिकीन हो गया। अब देखिए कुछ जनरल बातें देख लीजिए। अगर अल्केन हो तो उनमें एक से लेकर चार कार्बन तक गैसेस, 5 से लेकर 17 तक लिक्विड्स, 18 से ऑनवर्ड वैक्सी सॉलिड। अगर अल्कीन हो तो कार्बन नंबर 2 से 4 तक गैसेस, 5 से 15 तक लिक्विड्स, 16 से ऑनवर्ड सॉलिड। अगर अल्काइन हो तो C2 टू C4 गैसेस, C5 टू C12 लिक्विड्स और C13 ऑनवर्ड सॉलिड। अब देखिए सबसे पहले तो ढूंढना था लिक्विड। अब देखिए अल्फा और बीटा दोनों में दो दो कार्बन है, एक अल्काइन है एक अल्कीन है, तो दो कार्बन वाला अल्काइन और अल्कीन दोनों क्या होते गैसेस, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चार्ली सात कार्बन वाला अल्केन है, देखिए हमने कहा कि 5 से 17 तक लिक्विड है, ये हो सकता था, लेकिन चूंकि उसने कहा एक्वस ब्रोमीन को डीकलराइज करता है तो इसका मतलब अनसेचुरेटेड होना चाहिए, जबकि फिर ये तो क्या होगा, ये तो सेचुरेटेड होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर पक्की बात है आंसर क्या हुआ, डेल्टा के 10 कार्बन वाला जो अल्कीन है वो क्या होगा, वो लिक्विड होगा, और चूंकि वो अनसेचुरेटेड है तो ब्रोमीन वाटर में एडिशन भी वो शो करेगा, विस्नल डायब्रोमाइड बन जाएगा, ब्रोमीन का ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 27, इन द रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन द इंटरमीडिएट फॉर्मड इज, देखिए अगर हम रिएक्शन लिखे यहां पे इथीन का ब्रोमीन के साथ तो ये इथीन है, जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन से तो होता क्या है कि इस पाई बॉन्ड की थोड़ी सी पोलैरिटी की वजह से इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफिलिक बीआर पे अटैक करे। अब ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब एक तरफ क्या अटैच हो गया, एक तरफ अटैच हो गया बीआर। अब बीआर को जिधर मर्जी अटैच कर दे, चाहे लेफ्ट साइड पे और चाहे राइट साइड पे, तो सपोज हमने इसे लेफ्ट साइड पे अटैच कर दिया तो फिर इसका एक बॉन्ड कम है तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, सात बना बीआर नेगेटिव। अब ये बीआर चूंकि सातवें ग्रुप का मेंबर है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक ने बनाया हुआ बॉन्ड, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर्स की शक्ल में वैसे ही पड़े, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अब इससे क्या बन जाएगा, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ये बीआर था, इसने अपना लोन पेयर दे के इससे बॉन्ड बना दिया, अब इस पे पॉजिटिव आ गया। अब ये बीआर नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे ताकि हैलोजन ने पेयर जो दिया था वो वापस ले ले, इस तरह हमारे पास बन जाएगा विस्नल डायब्रोमाइड। अब इस विस्नल डायब्रोमाइड के अंदर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बात है वो देखिए कि हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट है वो ये बना है या फिर ये बना। अब देखिए पहली बात, चार्ली में कोई चार्ज नहीं है, इस कार्बन के बॉन्ड भी पूरे नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। डेल्टा में बीआर ने दो बॉन्ड बनाए हुए, हालांकि वो तो एक बनाता था तो फिर भी कोई चार्ज होना चाहिए था ना, वो भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब इन दोनों में से कोई एक है, कौन सा है, देखिए याद रखिए ये बनता है पर ये इतना जल्दी बनता और फिर क्या हो जाता है, यूज हो जाता है कि हम इसे आइसोलेट ही नहीं कर सकते। तो जिसे हम आइसोलेट करते हैं वो क्या है, वो ब्रोमोनियम आयन है, तो ब्रोमोनियम आयन किस ऑप्शन पे, अल्फा। सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन 28, विच प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन मे बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद इट्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, कि बेंजीन का जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इनमें से उसकी वजह क्या है। देखिए अल्फा है, इट हैज अ लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये बात तो गलत है क्योंकि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80.5 डिग्री सेल्सियस है, ये कोई लो नहीं है। और दूसरा, उसके पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की स्टेबिलिटी का बॉइलिंग पॉइंट से कोई ताल्लुक भी नहीं। बीटा, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बात तो सही है
पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इट्स डेल्टा एच एफ यानी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज पॉजिटिव। देखिए इसकी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, इसकी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन 49.17 किलो जाउल पर मोल है एट 298 केल्विन। अब स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी तो उस चीज की ज्यादा होती है जिसकी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंडो ना हो बल्कि एक्सो हो, और जितनी ज्यादा एक्सो होगी उतनी वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये तो एंडो है तो इसका भी फिर कोई लेना देना ना हुआ। डेल्टा इट टेंड्स टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एडिशन रिएक्शन, कि ये सब्स्टिट्यूशन देती है एडिशन नहीं देती। इसका मतलब पाई बॉन्ड इसका क्या है, स्टेबल है। अगर ना होता तो ये आसानी से कौन से रिएक्शन देती, एडिशन। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर एल्कीन। देखिए अल्फा है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहेलाइड। देखिए अब विसनल डाइहेलाइड हम बना देते हैं तो विसनल डाइहेलाइड क्या होगा, दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन होंगे, ये है जी विसनल डाइहेलाइड। अब हम इससे अल्कीन बनाना सीखते हैं तो अगर जिंक डाल दें तो क्या होगा, ये एक्स बॉन्ड देगा ये एक्स बॉन्ड लेगा, तो एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। जब जिंक से मिलेगा तो क्या निकलेगा, जेड एन एक्स टू, जबकि ये बन जाएगा एच सी फिर एच यहाँ पे सी सी डबल बॉन्ड और ये फिर सी एच टू, तो आप देखें अल्कीन बन गया। तो इसका मतलब ये तो ठीक हो गया। बीटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या होगा कि अब एक कार्बन से हाइड्रोजन जाना है जबकि दूसरे कार्बन से किसने जाना है, हेलोजन। और मीडियम क्या होगा, के ओ एच होगा और सॉल्वेंट होगा अल्कोहल। तो देखिए ये बीटा कार्बन का एच है तो ये बेस इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर और ये इधर, तो देखें इस एच ने बॉन्ड दिया तो एच पॉजिटिव, ये ओ एच नेगेटिव था तो एक तो यहां से निकलेगा वाटर, ये एक्स बॉन्ड ले रहा है तो एक्स नेगेटिव, ये के पॉजिटिव है तो एक निकलेगा के एक्स, ये क्या बचा एच, एच के साथ सी, इधर भी एच, यहां पे सी सी क्या हो गया डबल बॉन्ड और साथ इधर क्या है सी एच टू, तो ये भी अल्कीन बन गया। चार लिया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अगर हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो तो वो भी ऐसे ही होगी कि एक कार्बन से जाएगा एच और दूसरे कार्बन से जाएगा ओ एच, किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, मिसाल के तौर पे कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो ये H बॉन्ड देगा तो H पॉजिटिव, OH बॉन्ड लेगा तो H नेगेटिव, तो बाकी क्या बचा, देखिए वाटर निकलने के बाद बचा H C फिर H इधर डबल बॉन्ड, ये C H और H ये फिर एक अल्कीन है। इसके मतलब पक्की बात है आंसर डेल्टा, लेकिन देखते हैं ये डेल्टा है कैसे। यह डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, देखिए अगर हमारे पास एक टेट्राहेलाइड हो जैसे एच सी, अब इधर भी सी एल हो इधर भी सी एल फिर सी सी एल, ये टेट्राहेलाइड। अब डी हेलोजिनेशन है तो जिंक की प्रेजेंस में क्या होगा, ये एक्स या हेलोजन बॉन्ड देगा दूसरा लेगा ये सी एल टू, तो निकलेगा जेड एन सी एल टू, अब ये क्या बन गया एच सी इधर भी सी एल ये डबल बॉन्ड ये सी फिर सी एल ये एच, अब इसका रिएक्शन फिर होगा जिंक से तो क्या होगा, ये एक्स बॉन्ड देगा ये लेगा एक्स टू यानी सी एल टू निकल गया, अगेन जेड एन सी एल टू के लॉस से हमारे पास क्या बनेगा एच सी फिर ट्रिपल बॉन्ड सी और एच, तो आप देखें ये अल्कीन नहीं है ये बल्कि अल्काइन है, तो फिर पक्की बात आंसर डेल्टा के बाकी सारे अल्कीन की प्रिपरेशन के मेथड हैं जबकि डेल्टा किसका है अल्काइन का। क्वेश्चन 30, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी एज वेल एज एन इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। इन द लेबोरेटरी इट इज यूज्ड एज सिंथेटिक मेथड, केमिकल एनालिसिस ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स, तो इसका मकसद असल में क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, कैसे, जैसे जब बेंजीन की स्ट्रक्चर डिस्कवर नहीं हुई थी
तो क्या किया गया, जब बेंजीन में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन डाला गया तो पता लगा 3 मोल ऐड हुआ है, तो जिससे कंक्लूड किया गया कि भाई बेंजीन जो है उसमें 3 कार्बन कार्बन क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए होता है, सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम कंडीशन इन ऑर्डर टू गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ पॉलीथीन एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। अब देखिए पहली बात क्या है जी, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी सही है। प्रेशर 100 एटीएम, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 0.1%, ये इनिशिएटर के तौर पे। कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ट्राइथाइल और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसे जिगलर नोटा कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो ये तो चारों कंडीशन चाहिए, सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 32, व्हेन एक्सेस मीथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन द मिक्सचर ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, कंडीशंस फॉर द रिएक्शन इज। देखिए कंडीशन क्या है, या तो डिफ्यूज्ड सनलाइट होगी, या हाई टेम्परेचर होगा, या यूवी रेडिएशन होंगी। तो ऐसी बात सिर्फ कहां नजर आ रही है, चार्ली पे, सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 33, इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन कंस्टिट्यूटिंग द डबल बॉन्ड विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज इन अकॉर्डेंस टू। तो ये कौन सा रूल है, मार्कोनिकव्स रूल है। तो आंसर अल्फा। जबकि सिजविक मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल क्या है, इसके मुताबिक बेसिकली जैसे ऑक्टेट रूल था, ऑक्टेट रूल के मुताबिक कोई भी एलिमेंट जब बॉन्ड बनाता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसके वेलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे कार्बन है, वो 4 बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास है अमोनिया, वो 3 बॉन्ड बनाता है, 1 लोन पेयर बनाता है, उसका भी ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सिजविक मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल असल में ऑक्टेट रूल को निगेट करने के लिए पेश किया गया, यानी ऑक्टेट रूल की रिजेक्शन की वजह क्या थी, सिजविक मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल। इसके मुताबिक जो कोई भी सेंट्रल एटम है वो कंपाउंड बनाते हुए अपने इलेक्ट्रॉन्स 8 से बढ़ा भी सकता है। अब वो कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम जो होंगे वो उसके ग्रुप नंबर से डबल होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास है सल्फर, तो सल्फर बनाता है SF6, तो अगर सल्फर SF6 बनाता है तो सल्फर किस ग्रुप का मेंबर है, 6 ग्रुप का, तो 6 बॉन्ड बना रहा है। अगर ये 6 बॉन्ड बना रहा है तो सल्फर के 12 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12, तो ऑक्टेट से ज्यादा है। तो ये सिजविक मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल है कि सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, यानी सल्फर के बाहर 12 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसी तरह PCl5 है, जैसे हम जानते हैं ये PCl5 की स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बायपायरामिडल। अब फास्फोरस 5वें ग्रुप में है, 5 बॉन्ड बना सकता है, मतलब फास्फोरस के बाहर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो कि इसके ऑक्टेट से ज्यादा हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल है और बिल्कुल 100% अकॉर्डिंग टू सिजविक मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल। तो इसका ऊपर वाली स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह देखिए एंटी मार्कोनिकव्स रूल क्या होता है। मार्कोनिकव्स रूल तो हमने समझ लिया कि जब एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट डालते हैं तो नेगेटिव पार्ट वहां लगता है जहां एच कम होता है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि नेगेटिव पार्ट वहां लगे जहां एच ज्यादा हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसे हम कहेंगे एंटी मार्कोनिकव रूल। जैसे देखिए अगर हमारे पास है एक अल्की CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हम ये चाहते हैं कि इसमें HCl ऐड करें। और कैसे ऐड करें, कि ये जो नेगेटिव पार्ट है ये वहां लगे जहां H ज्यादा हो, यानी प्रोडक्ट बन जाए CH3 CH2 और फिर CH2 Cl, यानी 1 क्लोरोप्रोपेन बने जबकि 2 क्लोरोप्रोपेन ना बने। तो फिर ये कैसे हम बना सकते हैं, इसका तरीका कार्य है कि हम सबसे पहले
कोई पार ऑक्साइड लेते हैं, इसकी हम कराते हैं होमोलिटिक फिशन, इससे बनाते हैं ऑक्साइड रेडिकल्स। अब ये जो ऑक्साइड रेडिकल होते हैं ये रिएक्ट करते हैं HCl के साथ। तो देखें ये RO रेडिकल है और ये हमारे पास है HCl। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इधर से, अब ये क्या बन गया, ये बन गया ROH यानी अल्कोहल और साथ बना है Cl रेडिकल। अब ये जो अल्कीन था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्ट करेगा इस Cl रेडिकल से। अब कैसे, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा एक इधर से और ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ इधर चला जाएगा, ये बन गया CH3 फिर CH। अब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, यहाँ सिंगल बॉन्ड है जबकि यहाँ पे क्या जुड़ गया है CH2 के साथ Cl जुड़ गया है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है ये कहाँ जाएगी, ये आएगी CH3CH जो कि ये रेडिकल था फिर CH2 और ये Cl। अब ये जो अल्कोहल था HO और R, अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा एक इधर से और ये वाला इलेक्ट्रॉन R पे, अब आप देखिए क्या बन गया CH3CH2 हो गया और ये क्या है CH2Cl, जबकि यहाँ आपके पास RO रेडिकल रीजनरेट हो गया। तो अब आप देखें ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये नेगेटिव पार्ट वहाँ लगा है जहाँ H ज़्यादा थे, जैसे यहाँ दो H थे, कम वाले की तरफ नहीं लगा, तो ये मार्कोनिकव का उलट है, इसीलिए इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकव रूल। जबकि डेल्टा में हंड्स रूल, हंड्स रूल क्या है कि अगर हमारे पास है जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और फिर 2p3 है, ये पहला शेल है ये दूसरा शेल। अब अगर हम इसके 2p को ओपन करके लिखें तो 2px है 2py है और 2pz है। अगर मैं दो दफ़ा लिख दूं तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इसके इलेक्ट्रॉन को यूं भी तो लिख सकते थे ना कि 2p में x में जी दो इलेक्ट्रॉन, y में एक और z में जीरो, और हम इसे यूं भी लिख सकते हैं ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन। तो बात यह है कि ये गलत है और ये सही है, किसके मुताबिक, हंड्स रूल के मुताबिक, कि अगर तीन डीजनरेट ऑर्बिटल्स हों और इलेक्ट्रॉन भी तीन हों तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में जाता है विद सेम स्पिन, दिस इज कॉल्ड हंड्स रूल। क्वेश्चन 34, एन अल्कीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोकैटाइन बाय, एक अल्कीन कार्बोकैटाइन से कैसे बनती है। देखें फर्ज किया कि हमारे पास ये एक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो पोलर सॉल्वेंट या किसी भी एसिड की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होगी, प्रोटोनेशन होगी। अब प्रोटोनेशन होगी तो क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, क्या होगा, CH3C, यहां फिर CH3, इधर भी CH3, ये आ गया OH2, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और वाटर एक स्टेबल मॉलिक्यूल है तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और आपके पास विद द रिमूवल ऑफ वाटर बन जाएगा कार्बो कैटाइन, और वो भी कौन सा, टर्शरी कार्बो कैटाइन। अब देखें ये जो टर्शरी कार्बो कैटाइन है इसमें याद रखें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन है अल्फा कार्बन, तो ये जो पहले वाला कार्बन है अल्फा है जबकि ये कौन सा है, ये बीटा है। अब बीटा कार्बन क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन देगा, जब बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन देगा तो ये जो कार्बन होगा इसके साथ कितने मिथाइल थे, दो, ये दो मिथाइल आ गए, जबकि इस सी और सी का बन गया डबल बॉन्ड और ये सी के साथ सिर्फ कितने एच बचे, ये दो, तो ये हो गया CH2 विद द लॉस ऑफ एच पॉजिटिव। तो अब आप देखिए ये वो एच पॉजिटिव है जो पहले यूज हुआ था और अब बन गया, ये क्या, कैटलिस्ट। तो देखें एक कार्बोकैटाइन से
अल्कीन कैसे बना? जब बीटा कार्बन के एच ने अपना बॉन्ड दिया, एच पॉजिटिव दिया बेसिकली, तो फिर देखें ऐसी ऑप्शन कहाँ है, अल्फा पे, इलिमिनेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन 35, द कंबस्शन ऑफ वन मोल ऑफ C5H12 विल प्रोड्यूस हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये C5H12 है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, CO2 और वाटर बना। अब याद रखना ऐसी क्वेश्चन को बैलेंस करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ कितने कार्बन है, 5, तो CO2 के साथ 5 लगा दें। H12 है, H2O में 2H होते हैं, तो जितने यहाँ हाइड्रोजन होंगे उससे हाफ आप वाटर लिख दें, यानी अगर 12 हाइड्रोजन है तो 6 वाटर लिख दें। अब बचा ऑक्सीजन, यहाँ हो गया 5 × 2 = 10 और ये 6 कितना, 16, तो जितने O बने उससे हाफ डिजिट यहाँ लिख दें क्योंकि ये O2 है, तो हमने 8 लिख दिया। तो क्वेश्चन क्या था कि अगर C5H12 का एक मोल हो तो वाटर के कितने मोल बनेंगे, तो याद रखें जितने एच होंगे उससे आधे मोल, 12 एच हैं तो 6 मोल वाटर, तो आंसर क्या हुआ, डेल्टा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।